आचार्य जो लालू यादव को देने जा रही है जीवन दान, जो राजनीति में नहीं होते हुए भी लालू यादव के विरोधियों के लिए है काल, महज सोशल मीडिया के माध्यम से छुड़ाती है विरोधियों के पसीने, आखिर रोहिणी ही क्यों दे रही लालू यादव को किडनी, किडनी देने के फैसले पर क्या कहती है रोहिणी, आइए जानें लालू यादव की बेटी रोहिणी के बारे में। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि पुत्र की प्राप्ति भाग्य से होती है, लेकिन पुत्री की प्राप्ति सौभाग्य से होती है। ऐसे ही भाग्य के धनी हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, जिनकी एक नहीं बल्कि सात सात बेटियां हैं। जी हां, वही लालू यादव जिनकी राजनीति की यह विशेषता रही है कि उनके वोटर कभी भी बढ़ते नहीं थे। जातिगत आधार पर लोगों का मैनेजमेंट कोई लालू यादव से सीखे। हालांकि चारा घोटाला मामला उजागर होने के बाद उनके राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। लालू यादव का परिवार बिहार का एक राजनीतिक परिवार कहलाता है, जहां आप राजनीतिक कारणों से लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, तेजस्वी यादव और बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को बखूबी जानते होंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे लालू परिवार के उस सदस्य की जो राजनीति में नहीं होने के बावजूद भी बिहार की राजनीति में अपने पिता के विरोधियों के नाक में दम करके रखती है। लालू यादव का परिवार राजनीति के लिए दशकों से जाना जाता रहा है, लेकिन आज हम राजनीति से परे इस परिवार के उस सदस्य की बात करेंगे जिन्होंने अपने एक फैसले से सबको आश्चर्यचकित कर दिया। लालू यादव और उनके परिवार को हमेशा कटघरे में लाने वाला विपक्ष भी आज उस सदस्य की तारीफ करते नहीं थक रहा है। जी हाँ, ये वही रोहिणी आचार्य हैं जो हमेशा अपने पिता के लिए उनके विरोधियों के खिलाफ जुबानी हमले बोलती हैं। लालू यादव के खिलाफ अगर कोई कुछ बिहार में बोले तो इसकी चिंगारी सिंगापुर में लगती है। रोहिणी आचार्य का अपने पिता के प्रति ऑनलाइन प्यार किसी से छिपा नहीं था, लेकिन इन्होंने अपने पिता लालू यादव को किडनी डोनेट करने का फैसला कर असल मायने में भी सिद्ध कर दिया कि वो अपने पिता से कितना प्रेम करती हैं। और आज हम मिलेंगे लालू परिवार के उसी सदस्य से जिन्होंने लालू यादव को जीवन दान दिया है। आइए सबसे पहले जानते हैं रोहिणी के नाम के पीछे की कहानी। मालूम हो कि लालू प्रसाद यादव की सात बेटियां हैं और दो बेटे हैं, जिनमें रोहिणी आचार्य लालू यादव के घर दूसरी बेटी बनकर पैदा हुई। उनका जन्म 1 जून 1979 को राजधानी पटना के PMCH में हुआ था। उस वक्त लालू यादव विपक्ष के नेता थे। रोहिणी के नाम के पीछे आचार्य लगने की भी एक कहानी है। दरअसल जब रोहिणी पैदा हुई तब PMCH की गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर कमला आचरी थी। दूसरे संतान की आने की खुशी में लालू यादव और राबड़ी देवी ने उन्हें कुछ देना चाहा, लेकिन डॉक्टर ने कुछ भी लेने से मना कर दिया। लेकिन डॉक्टर ने लालू और राबड़ी से ये मांग जरूर की कि वो अपनी बेटी का नाम मेरे नाम से मिलता जुलता रखें। फिर क्या था, लालू यादव ने बिना समय गवाए अपनी बेटी का नाम रखा रोहिणी आचरी, क्योंकि उस समय जून का महीना और रोहिणी नक्षत्र था। इसी नक्षत्र के नाम पर लालू यादव की दूसरी बेटी का नाम रोहिणी और डॉक्टर के सरनेम आचरी से उनका नाम रोहिणी आचरी पड़ा। हालांकि आगे जब बड़ी हुई स्कूल जाना शुरू किया तब उनके दोस्तों ने आचरी नाम से चिढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसे में आगे चलकर उनका नाम आचरी से आचार्य हुआ और पूरा नाम रोहिणी आचार्य पड़ा। रोहिणी की शिक्षा की बात करें तो रोहिणी की स्कूलिंग पटना से ही हुई है। इसके बाद रोहिणी आगे की पढ़ाई के लिए झारखंड चली गई। रोहिणी ने जमशेदपुर के MGM से MBBS की। रोहिणी की MBBS करने के दौरान ही शादी हो गई थी। हालांकि उन्होंने अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की और बन गई डॉक्टर रोहिणी आचार्य। लालू यादव ने रोहिणी आचार्य की MBBS कंप्लीट होने से पहले ही शादी करा दी थी। रोहिणी के ससुर राय रण विजय सिंह इनकम टैक्स विभाग में अब बड़े अफसर भी रहे हैं। वहीं रोहिणी के पति समरेश सिंह पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। शादी के वक्त समरेश अमेरिका में जॉब करते थे। राय रण विजय सिंह लालू यादव के पुराने मित्र भी रहे हैं। समरेश एवरकोर पार्टनर्स, GMR, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जैसी जगहों पर अच्छे पदों पर जॉब कर चुके हैं। समरेश और रोहिणी पिछले कई सालों से सिंगापुर में सेटल हैं। उनके तीन बच्चे हैं, दो बेटे और एक बेटी। अब हम जानेंगे कि आखिर रोहिणी ही क्यों दे रही है लालू यादव को किडनी। अब हम उस बारे में बात करेंगे जिस वजह से रोहिणी देश भर में चर्चा की विषय बनी हुई है। विपक्ष भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। दरअसल किडनी की समस्या से जूझ रहे लालू प्रसाद यादव का किडनी प्रत्यारोपण करवाने की बारी आई, तब रोहिणी अपने पिता के लिए आगे आई और अपनी किडनी देने के लिए तैयार हुई और इसके लिए अपने घर वालों को भी मनाया।
मालूम हो कि रोहिणी खुद एक डॉक्टर हैं और डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि अगर किडनी घर के किसी सदस्य का हो जिससे लालू यादव का खून का रिश्ता हो तो ऐसे में किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसे में रोहिणी के ब्लड ग्रुप लालू यादव से मिलते भी हैं। ऐसे में रोहिणी ने ये फैसला किया। लालू यादव को किडनी डोनेट करने के फैसले पर क्या कहती हैं रोहिणी? रोहिणी अक्सर अपने माता पिता के लिए अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भावुक संदेश लिखती हैं। उनके पोस्ट से यह झलकता है कि वह अपने माता पिता का कितना सम्मान और कितना प्यार करती हैं। अपने पिता को किडनी दान करने के फैसले पर रोहिणी ने एक भावुक संदेश लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि जिस पिता ने इस दुनिया में मुझे आवाज दी, जो मेरे सब कुछ हैं, उनके लिए अगर मैं अपने जीवन का छोटा सा भी योगदान दे पाती हूँ तो मेरा परम सौभाग्य होगा। धरती पर भगवान माँ पिता होते हैं, इनकी पूजा सेवा हर बच्चों का फर्ज है। वहीं अपने एक बयान में रोहिणी ने यह भी कहा था कि यह तो एक मांस का टुकड़ा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि रोहिणी अपने पिता से बेहद प्यार करती हैं। रोहिणी के किडनी डोनेट करने के फैसले पर किसी ने की तारीफ तो किसी ने कसा तंज। रोहिणी द्वारा किडनी डोनेट करने का फैसला बिहार की जनता के साथ साथ बिहार की राजनीति में आग की तरह फैल गई। अधिकतर लोगों ने रोहिणी के इस फैसले को बड़ा ही साहसिक बताया। वहीं कुछ लोगों ने इस पर कटाक्ष भी किया। रोहिणी यहां पर भी विरोधियों को लताड़ने से पीछे नहीं हटी। मीडिया में उड़ रही अफवाहों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लिखा कि किसी के त्याग का उपहास उड़ाना यह इंसान का काम नहीं बल्कि मानवता के भूखे भेड़ियों का काम है। किसी भी अनर्गल अफवाह पर ना जाएं, यह पिता के प्रति समर्पण है। वाहियात बात फैलाने से बाज आइए। वहीं भाजपा MLC नवल किशोर ने रोहिणी के इस फैसले पर उन्हें धन्यवाद कहा है। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने अपने पसीने से जिस वंश और बरगद को आगे बढ़ाया है आज सफल हुआ। रोहिणी के अपने पिता के प्रति प्यार और समर्पण की तारीफ हर कोई कर रहा है। वहीं रोहिणी द्वारा अब किडनी डोनेट करने की खबर मीडिया में आई तब जब तेजस्वी यादव से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा डॉक्टर चाहते थे कि परिवार का कोई व्यक्ति मेरे पिता को किडनी दान करे। मेरी बहन की किडनी सबसे अच्छी मैच कर रही थी इसलिए हमने इसे आगे बढ़ाया। अब हम जानेंगे रोहिणी का राजनीति से संबंध के बारे में। रोहिणी का राजनीतिक संबंध अपने पिता लालू यादव के लिए विरोधियों को दो टुक जवाब देने तक ही है। लालू यादव के खिलाफ विरोधियों के मुंह से एक शब्द और उसके खिलाफ रोहिणी का जवाब आपको उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर देखने को मिल जाएगा। हालांकि उनका राजनीति में आने की खबर हमेशा से चलती आई है। आज से 5 साल पहले जब तेजस्वी यादव पर बेनामी संपत्ति के मामले में केस दर्ज किया गया था तब यह खबर चली थी कि रोहिणी बिहार की डिप्टी CM बन सकती हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं अब हाल ही में ओबरा विधानसभा में यह चर्चा हो रही है कि रोहिणी आचार्य यदि राजनीति में आएंगी तो ओबरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। तो ये थी लालू यादव की निडर और साहसिक बेटी रोहिणी आचार्य की कहानी। रोहिणी आचार्य के किडनी डोनेट करने के इस फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।